गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिंपल पारेख रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती, जिसकी जीवन परिचय के बारे में और पाठ परिचय के बारे में हम भली प्रकार से समझ चुके थे। आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मियाँ नसरुद्दीन। ओके बेटा, मियाँ नसरुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति है जो कि क्या है, खानदानी नानबाई है और उनको अनेकों प्रकार की रोटियां बनाने का अनुभव प्राप्त है। करीबन वह 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। सोचिए 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाला व्यक्ति कैसा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन। जल्दी सी बुक निकाल लीजिए और स्टार्ट करना। 22 पेज नंबर निकाल कर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए। साहब उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से गुजर जाते तो साहित्य राजनीति और कला के हजारों हजारों मसीहा के बीच धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे लुफ्त उठाते उनका मसीही अंदाज का। यहाँ पर जो लेखिका है वह वर्णन करती हुई कहती है कि साहबो कि यदि हम डायरेक्ट क्या करते उस दिन अपने मटिया महल की तरफ यानी कि अपने घर की तरफ अपने स्थान पर चले जाते हैं तो हम कभी भी इस मियाँ नसरुद्दीन थे मियाँ नसरुद्दीन से मिल ही नहीं पाते, ऐसे व्यक्तित्व को हम पहचान ही नहीं पाते। तो हमारा सौभाग्य है कि हम जब उधर से निकल रहे थे अपने घर की तरफ तो हमें मियाँ नसरुद्दीन की तरफ हमारी नज़र चली गई और हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। हुआ यह कि हम दोपहर जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर चल रहे थे। अब लेखिका इसमें बता रही है कि वो कहाँ जा रही थी। हुआ यह कि हम दोपहर यानी कि दोपहर का समय था जिसमें वह कहाँ जा रही थी, जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ जा रही थी। एक मोहल्ला था जिसका नाम था गड़ैया मोहल्ला, वहाँ पर वह जा रही थी। एक निहायती मामूली सी अंधेरी सी दुकान पे पटापट आटे का सेन सनते हुए देखे और ठिटक गए। अब एक छोटी सी एक दुकान सी बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि आटे से क्या हो रहा है, कोई पटापट की आवाज़ कर रहा है, क्योंकि रोटियाँ बनाने के लिए वह जोर जोर से उसको, क्योंकि थोड़ा सा तो होता नहीं है, वह तो बहुत सारी रोटियाँ बनाते हैं ना, तो उस आटे को जोर जोर से पटक रहे थे जिससे कि वह आटा अच्छी तरह से फूल जाए, बनाने रोटियाँ बनाने में आसानी रहे। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी। अब उन्होंने क्या सोचा कि भैया इतने आटे को इतने जोर से पटक रहे हैं और कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, सिवैया बनाने का कार्य कर रहा होगा। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। जब उन्होंने पूछा, लेखिका ने जब पूछा कि भैया ये कौन है और ये दुकान किसकी है, तो उनको क्या पता चला कि खानदानी नानबाई है जिसका नाम क्या है, मियाँ नसरुद्दीन, और यह उसकी क्या है, दुकान है। मियाँ बहुत मशहूर थे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब मियाँ नसरुद्दीन किस लिए प्रसिद्ध है बेटा, कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए, 56 यानी कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए वह मशहूर है। कौन, मियाँ नसरुद्दीन। ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप भी मिलना चाहेंगे ना ऐसे व्यक्ति को, आप जानना चाहेंगे कि 56 प्रकार की रोटियां कैसे बनाते हैं। तो ऐसे लेखिका है, उसको भी उत्सुकता हुई कि वह भी उस नानबाई से जाके मिले कि किस तरह से भैया 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला उनके पास में आई है। हमने तो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़े का मजा ले रहे थे। अब जो थे वह क्या कर रहे थे, चारपाई पर तो लेटे हुए थे और बड़े आनंद से क्या पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। तब मेरी बीड़ी पीना क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ पर जो लेखिका है वो बता रही है सिर्फ सुनना है, अमल नहीं करना है। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से अर्थात काफ़ी एज के हो चुके थे और काफ़ी उनको अनुभव था, जिसके कारण से उनके चेहरा जो था वह क्या था, पका हुआ था, यानी कि उन्होंने जीवन का अनुभव उनको प्राप्त था। आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर के आराम, उनके चेहरे पर क्या थी, आंखों में कालापन आ जाता है, बहुत अधिक कार्यकर से बिल्कुल भूले भाले लग रहे थे और साथ ही साथ पेशानियों पर मंजे हुए कारीगर के तेवर उनके चेहरे पर क्या थे, बहुत एक वो होता है ना कि जो मंजा हुआ कारीगर हो, जिसको समस्त चीज़ों का अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति जो होता है ना, उसकी चमक, उसके चेहरे की चमक ही अलग कह देती है। जिसके पास में ज्ञान होता है, अनुभव होता है अपने कार्य के प्रति, उसका चेहरा ही बता देता है
किस व्यक्ति को इस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऐसा ही जो मियाँ नसरुद्दीन थे, उन मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे से, उनके हाव भाव से और उनके चेहरे की रौनक से पता चल रहा था। हमें ग्राहक समझ लिया और मियाँ ने नज़र उठवाई। हमें क्या समझा उन्होंने कि भाई ये भी क्या है, रोटियाँ वोटियाँ लेने आया होगा, 56 प्रकार की रोटियाँ मैं बनाता हूँ। तो उसने सोचा ग्राहक है तो हमें देख कर वह बोले। उन्होंने नज़र उठाई और क्या बोला, फरमाइए फरमाइए, यानी कि बोलिए क्या चाहिए आपको। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। अब उसने क्या कहा कि भाई मेरे को रोटियां तो चाहिए नहीं थी लेखिका को, तो वह कैसे ले गई थी, उनसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने गई थी ना। तो उन्होंने कहा भाई आपसे मेरे को थोड़ी सी क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है, थोड़ी सी आपसे वार्तालाप करनी है, अगर आपके पास में थोड़ा सा मेरे लिए वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। अब उसने क्या कहा, बड़े अंदाजी 5000 अंदाज से कहा, बड़े आराम से होते ना मस्त मौला जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा बड़े आसान, अरे भाई वक्त निकाल लेंगे, लेकिन आपके लिए तो वक्त भी निकाल लेंगे, लेकिन ये बताओ आपको मेरे से काम क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्या आपको पूछना क्या है, मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार बिंस तो नहीं हो। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने मेरे ध्यान से देखा और क्या कहा कि आप क्या हो, कोई पत्राचार पत्रकार वगैरह तो नहीं हो। अखबार बिंस का मतलब क्या होता है, पत्रकार जो कि क्या करते हैं, छोटी सी बात का बड़ा सा तुल बनाते हैं, कि पत्रकार के पास में अगर छोटी सी बात है तो उस बात को कैसे बड़ा चढ़ा के लोगों तक पहुँचानी है, ये खूबी उनके अंदर बहुत अच्छी तरह भरी हुई रहती है। तो उन्होंने क्या सोचा, भैया आप पत्रकार यानी कि अखबार बिंस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है, वही जो मैंने बताया, ये क्या है, खोजियों की खुराफात है कि जरा सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन ने क्या कहा कि जो अखबार खरीदता है, जो पढ़ता है, जो अखबार के लिए जो कार्य करता है, वह हमारे लिए क्या है, निठल्ला है, यानी कि कोई काम का नहीं है वो, कि सिर्फ उसको तो क्या करना है, फालतू के अंदर अपना समय क्या करना है, खराब ही करना है, मियाँ नसरुद्दीन के हिसाब से। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। अब उन्होंने क्या कहा, भाई कामकाजी जो व्यक्ति होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको इन पत्रकार वगैरह से कोई भी मतलब नहीं है, कि कामकाजी व्यक्ति अपने काम के अंदर काम करता है और अपने काम से काम रखता है और मदमस्त रहता है, उसको फालतू की चीज़ों के अंदर, फालतू के अंदर लोगों के बीच में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इन सबसे कोई सरोकार नहीं रहता, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि भैया आपने इतनी दूर से आए हो मेरे से मिलने के लिए, इतनी बड़ी तकलीफ़ उठाई है आपने आकर मेरे से मिलने के लिए, तो भैया बता दीजिए आपको क्या चाहिए, क्या आप मेरे से पूछना चाहते हो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का यह इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। बेटा इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द आए, मैंने बताया था ना, कृष्णा सोमवती जो है उनके लेख की ये पहचान है कि बहुत उन्होंने अपने हिंदी के जो लेख है या जो भी लेख है उनके अंदर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपको कहाँ से मिला, कि ये जो आपका तरकीब है या फिर जो कि आपको इल्म जो है वह आपको कहाँ से मिला, इसकी नसीहत कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी आपने प्राप्त की, जानने का तरीका जिसे कहा जाता है। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, आँखों के कंचे फेरना यानी कि उनकी जो आँखें थी वह लेखिका से जाकर मिली और लेखिका के सामने जाकर वह उसे आँखों में आँखें डालकर बातचीत करने लगी। फिर तरेर कर बोले क्या मतलब, कि क्या पूछना चाहते हो भाई, क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे को रोटियां बनाने का इल्म यानी कि उसका तरकीब, उसका जो तरीका है वह कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा पूछिए नान साहब, नान भाई इल्म लेने कहाँ जाएंगे, कि भैया इल्म लेने यानी कि वह जानकारी लेने के लिए कहाँ जाएंगे, वह तो स्वयं ही क्या है बहुत बड़े जानकार है, किसी चीज़ को सीखने के लिए उनको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वह क्या है, इल्म का मतलब होता है जानकारी या ज्ञान, यानी कि कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह कहाँ जाएंगे, वह तो खुद ही क्या है बहुत बड़े जानकार है, उनको किसी के पास में जाने की आवश्यकता क्या है। तो उसके लिए बोल रहे हैं नान भाई इल्म लेने कहीं जाएगा, क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास,
या रफूगर, रफरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा। उसने क्या बोला मियाँ नसरुद्दीन ने कि भैया आप क्या बोल रहे हैं कि मैं ये रोटी बनाने का इल्म यानी कि तरीका तरकीब जो है, इल्म का मतलब बताया ना मैंने, तरीका या तरकीब, कि ये सीखने के लिए मैं कहीं जाऊँगा कि किसके पास में जाऊँगा? कोई मीनाकारी काम करता है उसके पास में जाऊँगा, जो आईना साज का काम करता है उसके पास में जाऊँगा, या कोई जो नगीने का काम करता है मैं उसके पास में जाऊँगा, या कोई रफूगर के पास में जाऊँगा जो रफू वगैरह, जो कपड़े वगैरह छोटा सा छेद हो जाए वो रफू वगैरह करते हैं उसके पास जाऊँगा, या रंगेदार यानी कि जो रंग वगैरह करते हैं ना, जैसे कोई भी कपड़ा होता है उसको रंगीन करने का कार्य करते हैं तो उसके पास में जाऊँगा, तो क्या तेली के पास में जाऊँगा, तबोली के पास में जाऊँगा, ऐसे लोगों के पास में मैं जाके तरकीब सीखूँगा क्या? आपने समझ क्या रखा है भैया मेरे को कि मेरा इन सब चीज़ों के लिए सीखने के लिए कुछ मेरे को अन्यंत्र जाना पड़ेगा? नहीं, क्या फरमा दिया साहब आपने, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। कि यार क्या समझा दिया आपने, क्या समझ लिया मेरे को कि मैं इन चीज़ों को सीखने के लिए, ये रोटियाँ बनाने की जो कला है इसको सीखने के लिए मैं किसी के पास में जाऊँगा? नहीं, यह तो हमारा क्या है, खानदानी पेशा है। खानदानी पेशा का मतलब मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर, खानदानी क्या होता है, जो कि हमारे पूर्वजों से चला रहा है, कि जो कि ये सारी चीज़ें तो मैंने क्या है अपने पूर्वजों से अपने अनुभव के द्वारा सीखी है, जैसे वो करते गए कार्य उन कार्यों को देखकर मैं भी सीखता गया, तो ये तो हमारा क्या है, खानदानी पेशा है अर्थात खानदानी कार्य है। इल्म की बात पूछे तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से, कि आप उन्होंने क्या कहा कि भई आप इल्म की बात पूछ रहे हैं कि तरकीब या चीज़ मैंने कैसे सीखी, तो मैंने किससे सीखी है, अपने उस्ताद से सीखी है। मतलब यह है कि हम घर से निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कि कोई पेशा करेंगे, अख्तियार करेंगे यानी कि कोई पेशा यानी कि कोई कार्य करेंगे, जब घर से जब व्यक्ति एक समय के बाद में क्या होता है जब बड़ा होता है तो कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई रोज़गार उसको अपने घर गृहस्थी के लिए करना ही पड़ता है, तो वह भी जब बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि भई अब कोई ना कोई पेशा, कोई ना कोई कार्य तो मेरे को करना ही पड़ेगा, तो उस कार्य के लिए जब वे निकले तो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीए पर। ओके, उन्होंने क्या बताया कि हम जब हम इस पेशे में आए तो ये मेरे बाप दादों का पेशा था, यानी कि खानदानी पेशा था रोटियां बनाने का, मेरे बाप दादा जो थे, मेरे पूर्वज जो थे वह भी यही कार्य किया करते थे, और जब वो नहीं रहे तो उसके बाद में उनकी गद्दी यानी कि उनका कार्य मेरे को ही संभालना था। वही उनसे पाया और वालिद महरूम के यानी कि उनके जो वालिद थे, उनके जो पिता थे, वह उनके ख़त्म होने के बाद में उनके स्थान पर उनका जो कार्य था वह कार्य इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं के ठीए पर बैठे यानी कि उन्हीं के स्थान पर आकर हम बैठ गए, क्योंकि उसके बाद में तो पिता के बाद में जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटे की होती है। तो उसने कहा आपके वालिद, अब उन्होंने कहा भाई आपके वालिद कौन है? तो मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लहमा भर को किसी मुट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, हाँ हमारे वालिद शाह मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़े वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब भी आला नानाबाई मियाँ कलन। अब उन्होंने क्या बताया, पुरानी स्मृति, जैसे कोई पूछता है ना हमारे पूर्वजों के बारे में तो वह क्या हो गए, अपने पुराने विचारों में हो गए, और उन्होंने क्या बताया, देखिए दो चीज़ बताई है उन्होंने, पहला तो बताया है कि हमारे वालिद यानी कि जो उनके पिता थे वह थे साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़वैया के नाम से, यानी कि जो उनके पिता थे वह किस नाम से मशहूर थे, शाही नानबाई गड़ैया वालों के नाम से मशहूर थे, और जो उनके वालिद यानी कि जो उनके पिता के पिता थे अर्थात जो मियाँ नसरुद्दीन के क्या हो गए वो दादा हो गए, वो किस नाम से मशहूर थे, वह थे आपके आला नानबाई मियाँ कलन के नाम से मशहूर थे, अर्थात यह जो खाना बनाने की जो कला है, रोटियां बनाने की जो कला है वह उनको अपने पूर्वजों से प्रदान हुई है। दोनों के बारे में बताया कि वो जो उनके पिता थे वह तो क्या थे, शाही नानबाई गढ़वैया के नाम से मशहूर थे, और जो उनके दादा थे वह क्या थे, नानबाई मियाँ कलन के नाम से मशहूर थे। अब आपको इन दोनों में से किसी किसी को भी किसी किसी की कोई नसीहत याद हो, अब उन्होंने लेखिका ने पूछा कि भैया आपको अपने जो वालिद है या दादाजी हैं यानी कि पिता और दादा हैं उनकी कोई नसीहत आपको याद हो, कोई बात उनको याद हो कि कोई चीज़ आपको वो नसीहत दे के गए हो कि भैया ऐसा करना जब तेरे जीवन की नैया पार होगी कुछ भी,
नसीहत कहे कि मियाँ काम करने से आती है नसीहत, नसीहत से यानी कि नसीहत जो होती है वह कैसे आती है, किसी ने आपको नसीहत दे दी, किसी ने आपको बता दिया ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आपने उस कार्य को नहीं करा तो कोई भी महत्व नहीं है। यानी कि बातें करने से कार्य नहीं होता है, कार्य तो अनुभव से होता है, कार्य करने से ही हमें पता चलता है कि यह कार्य कैसे करना है। कि नसीहत तो बहुत सारे लोग हमें दे देते हैं, बहुत सारे लोग हमें समझा देते हैं इस कार्य को ऐसे करो वैसे करो, यूं करना है वैसे करना है, लेकिन जब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक आप उस कार्य को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसी के अंदर लेखक सॉरी मियाँ नसरुद्दीन है वह भी ये बोल रहे हैं कि नसीहत तो हमें बहुत लोगों ने दी, लेकिन नसीहत जो है वह कार्य करने से ही मिलती है। कि कोई भी आप कार्य करोगे तभी उसका हमें क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप उसने आप जो लेखिका थी उन्हें भट्टी की तरफ इशारा किया और बोला इस काम पर लगे तो वाली साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। उन्होंने क्या बताया, लेखिका ने बोल रही है कि भैया वो तो सही है कि काम करने से अनुभव आता है, नसीहतों से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके बताइए कि जब आप काम करने के लिए निकले थे तो जो भट्टी थी ना जिसपे रोटियां पकाई जा रही थी, तो उस तरफ उसने लेखिका ने इशारा करके कहा कि इस काम पर लगे तो आपके जो वालिद साहब थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो नसीहत आपको दी होगी ना, कुछ ना कुछ बात आपको उनको बताई होगी कि भैया इस तरह से कार्य करना, इस तरह से रोजगार को संभालना जिससे कि आगे आने वाले समय में तू बहुत अच्छी तरक्की करें। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी दो कश खींचे, किसके, बीड़ी के, जो बीड़ी पी रहे थे ना उसके दो चार कश खींचे और फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। फिर उन्होंने थोड़ा अपना गले को खरखराया, थोड़ा साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पैरने जाता है तो उस्ताद कहता है, अब वो बोलता है कि बता रहे हैं कि जो उनके वालिद थे उनको उन्होंने उसको क्या समझाया, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जब बच्चा जब स्कूल जाता है विद्यालय में जाता है तो क्या होता है, जो टीचर होता है जो भी उसको पढ़ाने वाला होता है वह उसको समझाता है। कहे अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ। कहे बे, बच्चा बोलता है बे। कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। यानी कि जैसा टीचर बोलता है, जैसा भी उसका वालिद बोलता है वैसा वो बच्चा करता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़। सामने से गुजरते मियाँ नसरुद्दीन जो है उन्होंने आवाज़ लगाई, मीर साहब को आवाज़ लगाई। किसको लगाई उन्होंने, बीच में, यानी कि जब लेखिका से बातचीत कर रहे थे तो बीच में से ही कोई मीर साहब जा रहे थे, उनको बीच में से आवाज़ करते हुए उन्होंने आवाज़ लगाई, कहो भाई मीर साहिब सुबह आना ना हुआ पर क्यों। अब उन्होंने बीच में जो अपनी बात थी वो बात तो लेखिका से कर रहे थे और लेखिका को बता रहे थे कि दो तरह की तालीम होती है, एक तो होती है कि जो बच्चा क्या करता है, जैसे उसको पढ़ाया जाता है जैसे उसको समझाया जाता है वैसे वो समझता है, और दूसरी पढ़ाई होती है कि व्यक्ति उसको कोई उसको नहीं पढ़ाता है, वह व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा ही सीखता है। तो इतनी बात वो कह रहे थे, उसके बीच में क्या हो गए, एक व्यक्ति उनको दिखाई दिए जिसको वो आवाज़ लगाकर बुलाते हैं कि भाई सुबह आप दिखाई नहीं दिए, सुबह इधर क्यों नहीं आए। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। जो मीर साहब थे उन्होंने कहा, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भई अभी हम कहीं काम से जा रहे हैं, हम वापस लौट कर आएंगे तब आपसे बताएंगे कि हम सुबह क्यों नहीं आए। अब देखिएगा इससे फिर वो विचार विमर्श कर रहे हैं, और आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, भी पहली पढ़ाई तो ये समझा दी, दूसरी उन्होंने अनुभव बताया ना, तो लेकिन वो क्या बता रहे हैं और उसको डिटेल में देखिए। इस बार नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो, यानी कि ऐसा सिर हिलाया कि सुकरात, जानते हो ना कि वो हो सबसे बड़े ज्ञानी हो, उनसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कोई है ही नहीं। हाँ एक दूसरी तरह की पढ़ाई होती है, सुनिए, अगर बच्चे को मदरसे भेजा, यानी कि मोमडन्स जिस विद्यालय के अंदर जिस जगह उनको भेजते हैं उस स्थान का नाम मदरसा है, तो वह मदरसे के अंदर भेजा तो न वह कच्ची में बैठता है, न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा सीधा तीसरी में। अब हम यह पूछेंगे कि इन तीनों जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ इन तीन क्लासों का। उन्होंने क्या कहा, जब मदरसे में जाके बैठता है तो वह पहली दूसरी तीसरी क्लास पढ़ता ही नहीं है, और सीधा कहाँ कौन सी क्लास में जाके बैठ जाता है, तीसरी क्लास में जाकर बैठ जाता है। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे,
पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, आप इन दोनों जमादों का हुआ क्या? उन्होंने क्या कहा उसको लेखिका कोई पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि उसने दो जमात बच्चे को स्कूल में अपने जो उसमें मदरसे में एडमिशन करवाया तो वहाँ पर उसने दो क्लासें पढ़ी नहीं और डायरेक्ट तीसरी क्लास में पहुँच गया, तो बताइए उसको कैसे कार्य करेगा वो, क्या वो भली प्रकार से उस कार्य को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आप बताओ। वो लेखिका भाई बल्कि प्रश्न करने लगे। यह बात मेरी समझ के बाहर थी, अब उनके समझ के बाहर थी कि इसका क्या जवाब दें कि भाई दो जो क्लास है उसने पार करके सीधी तीसरी क्लास में आ गया है, तो इसका जवाब मैं क्या दूं कि कैसे वो उस कार्य को करेगा जो कार्य उसको करना है। इस पास शाही नान भाई मियाँ कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो अभी साफ हुआ है, जरा देर को मान लीजिए। अब उन्होंने बातचीत करते रहे और इस बार जो नान भाई थे उन्होंने अपने कलन के पोते अपने बचे खुचे दांत जो थे उनको खिलखिलाया और उसको साफ़ करने लग गए। मतलब मेरा क्या था? बिल्कुल साफ था कि अब वो उस चीज़ में क्या कर रहे थे, एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बता नहीं रहे थे कि उनको यह जो कला है वह कैसे मिली, क्या किया उनको, उनके जो उनके पिताजी थे उन्होंने उनको क्या नसीहत दी, उस बात को वो गोलमोल कर रहे थे। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते हैं? कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि भैया तुम बोल रहे हो, मैं तुमसे उन्होंने लेखा से प्रश्न किया था ना कि भाई दो क्लासें उसने नहीं पढ़ी, तीसरी क्लास में अगर पहुँच जाएगा तो क्या होगा, तो उस कार्य को भली प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पे नान जो मियाँ नसीरुद्दीन कहना क्या चाह रहे हैं कि जो उन्होंने कार्य करा है आज वो इस पद पर है, इस कार्य को कर रहे हैं, इतना बड़ा उनके पास में नान भाई जो एक अपने आप में एक उपमा है, एक उपाधि है, तो वह उपाधि क्या हमें ऐसे मिल गई, क्या ऐसे लोग बाग हमें नान भाई कहते हैं क्या कि भाई उसके लिए तो क्या करना पड़ा था, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैंने बर्तन भी साफ़ किए, मैंने भट्टी को भी धोया, मैंने इसको भी लीपा, उसको भी करा, पूरा यानी कि पूरा कार्य किया, तब जाके मैं आज इस पद पर हूँ। बेटा कभी भी कोई भी व्यक्ति एकाएक किसी पद पर नहीं पहुँचता। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम देखते हैं ना कि ये व्यक्ति को ये मिनिस्टर बन गया, ये नेता बन गया, ये इतना बड़ा अफसर बन गया, ये IAS ऑफिसर बन गया, ये IPS ऑफिसर बन गया, ये तो कोई भी व्यक्ति एकाएक उस पद पर नहीं जाता। उस पद पर जाने के लिए उसको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह उस पद पर जाता है। तो किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी जाकर वह पद वह स्थान हमें मिलता है। तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन की जो बात है वह यही समझाना चाह रहे हैं कि भैया कोई भी कार्य करने के लिए, कोई से भी पद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी आप उसे ऊंचे पद पर पहुँचोगे। ओके बेटा, हम आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का जो चैप्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको बेटा क्या करना है, इसमें दो आपको इसमें व्याख्याएँ करनी है। पहली जो व्याख्या है वो करनी है आपको, यहाँ से पेज नंबर आपके 22 पर हुआ यह कि हम दोपहर से लेकर और रोटियाँ बनाने के लिए। दूसरी आपको करनी है पेज नंबर 24, जो पहली ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली, मियाँ नसीरुद्दीन की आँखें लम्हा भर यहाँ से लगाकर और मियाँ कलहन ये वाली करनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।